हाँ वो बच्चा निकला है ये मैं दिखा सकता हूँ, वो बच्चा जिंदा या मुर्दा इस ड्रेस के अलावा और कोई दूसरा ड्रेस में मिलेगा तो फिर आप हमको बताइए। नवोदय विद्यालय से गायब हुआ छात्र, पुलिस जब जांच के लिए पहुंची तो प्रिंसिपल साहब बोले, जिस तस्वीर में और जिस ड्रेस में कैमरे में दिख रहा है बच्चा वो उसी ड्रेस में मिलेगा, चाहे जिंदा मिले या फिर मुर्दा। फिर क्या था, उसके अगले ही दिन बच्चे की डेथ बॉडी बरामद होती है। परिजन कहते हैं प्रिंसिपल ने कहा था कि बच्चा इसी ड्रेस में मिलेगा, जिंदा या फिर मुर्दा, और मास्टर साहब ने जिस ड्रेस में बच्चे के मिलने की बात बताई थी बच्चे की डेथ बॉडी भी उसी ड्रेस में मिली। अब लोग कहने लगे कि आखिर प्रिंसिपल ने जिंदा और मुर्दा की बात क्यों की थी। चलिए पूरा मामला विस्तार से बताते हैं, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे की मौत कैसे हुई इसका जांच सही तरीके से हो। गया जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय जेठियन से 3 किलोमीटर की दूरी पर तेतर डैम में पत्थर से बना एक युवक का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिस डैम से शव मिला है वो गंगा उद्धव योजना के तहत बनाया गया है, जिसे तेतर डैम कहा जाता है। इसी में गंगा जल को संग्रह किया जाता है। डैम में शनिवार की सुबह तैरते हुए छात्र का शव मिलने के बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबकी जब पहचान हुई तो लोग हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। सबकी पहचान नवोदय विद्यालय के 11वीं की छात्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई। पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजने के बाद इसकी गुत्थियों को सुलझाने में जुट गई है। पुलिस की मौजूदगी में डैम से सबको निकाला गया। सब बड़ा सा पत्थर से बांधा हुआ था। अतिरिक्त थाना पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सबकी पहचान गया जिले के जेठियन गांव के समीप स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्र प्रिंस कुमार पिता दिनेश मिस्त्री के रूप में की गई। मृत छात्र गया जिले के ही वजगंज थाना क्षेत्र के बभंडी गांव का रहने वाला था। विद्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित तेतर डैम से छात्र के शव मिलने के बाद तेतर डैम पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर डैम की सुरक्षा में दर्जनों सुरक्षाकर्मियों की तैनाती है, इसके बावजूद डैम तक शव कैसे लाया गया, कब और किसने यह दुस्साहस किया आदि आदि। बताते चले कि डैम की देखरेख के लिए पुलिस चौकी भी बनाई गई है। इस डैम में आम लोगों का प्रवेश निषेध है क्योंकि गंगा उद्धव योजना के तहत तेतर डैम का निर्माण कराया गया था। जवाहर नवोदय विद्यालय जेठियन के प्राचार्य अनिल कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि गुरुवार को प्रिंस बाल कटवाने की बात कहकर विद्यालय परिसर से बाहर निकला था, जिसके बाद प्रिंस वापस नहीं लौटा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को यात्री थाना में प्रिंस के लापता होने की सूचना दे दी गई थी, जबकि चर्चा है कि विद्यालय कैंपस में बाल कटाने आदि समेत छात्रों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, बावजूद इसके बाल कटवाने की बात कहकर परिसर से बाहर कैसे निकल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्यालय का सीसीटीवी कैमरा भी अनुपयोगी है। सवाल उठने लगे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सीसीटीवी फंक्शन में नहीं है, इसके कैमरे खराब होने की बात सुन लोगों के बीच अलग अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई। वहीं निमचक बताने डीएसपी प्रकाश कुमार ने मीडिया से कहा है कि तेतर डैम से सबको बाहर निकाला गया है, सब पत्थर से बना हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या कहीं ना कहीं हुई है और सबको यहां लाकर फेंका गया है। सबकी पहचान हो गई है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला संदेहास्पद है, पुलिस सभी बिंदुओं और हर पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है। मामले का खुलासा शीघ्र ही कर लिया जाएगा। बाकी आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्र के परिजन। एप्लीकेशन दे करके उसके बाद स्कूल पे आए हैं, स्कूल पे आने के बाद इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। क्या बोला, जो भी गए से मतलब इस तरह से बोल रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि हमको जानबूझ करते हैं। एक वीडियो भी देखने को मिला है जिसमें प्रिंसिपल कह रहा है कि एक ही इस ड्रेस में आपका बच्चा जो है जिंदा या मुर्दा मिलेगा। हाँ, ये बात प्रिंसिपल साहब बोले हैं। कौन बोला है? प्रिंसिपल साहब बोले। क्या बोले? जो ये कपड़ा में पहन के गया उसी में मिलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद मिले जिंदा मिले या मुर्दा मिले, लेकिन मिलेगा। क्या लग रहा है इस घटना के पीछे किसका हाथ है? हमको प्रिंसिपल सर का ही हाथ है। प्रिंसिपल का हाथ है? हाँ, इस तरह के जो बात बोले हैं इस तरह से हमको लगता है कि उन्हीं का ही हाथ है। मिलेगा जिंदा या मुर्दा वही कपड़ा मिलेगा, मिलेगा, बताइए इसका मतलब क्या, आप जान रहे हैं।